कोरबा के कटघोरा थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत तानाखार के सड़कपारा पेट्रोल पंप के पास बीती रात कार और बस की भिड़ंत में मरवाही विधायक के ध्रुव के पुत्र बांगो विद्युत विभाग में कार्यरत सहायक अभियंता प्रवीण कुमार ध्रुव, जूनियर इंजीनियर कुशल कुमार कंवर और ठेका श्रमिक शंकर सिंह पोर्ते की मौत हो गई। रात्रि करीबन 12:30 बजे विद्युत विभाग में कार्यरत सहायक अभियंता प्रवीण कुमार ध्रुव अपने सहयोगी अधिकारी जूनियर इंजीनियर कुशल कुमार कंवर व ठेका श्रमिक शंकर सिंह पोर्ते बिंजरा से कार से बांगो वापसी के दौरान कटघोरा थाना क्षेत्र के तानाखार सड़क पारा पेट्रोल पंप के समीप अंबिकापुर की ओर से आ रहे रॉयल बस से भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 कटघोरा SDOP ईश्वर त्रिवेदी और प्रभारी नवीन देवांगन व बांगो पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। दुर्घटनाग्रस्त कार बस में जाकर फंस जाने की वजह से तीनों मृतकों के शव को गैस कटर के जरिए निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही मरवाही विधायक के ध्रुव कटघोरा पहुंच गए और पुलिस अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। कटघोरा में तीनों शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। अंबिकापुर से आने वाली रॉयल बस और कटघोरा की ओर से जा रही टाटा नेक्सॉन वाहन के मध्य तानाखार पेट्रोल पंप के पास भीषण एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कार सवार तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। एक विद्युत विभाग के AE के पद पर पदस्थ थे और एक JE के पद पर एक अन्य व्यक्ति संविदा कर्मी था। मरवाही विधायक के खुद होना बता रहे हैं। बस ड्राइवर की पता तलाश की जा रही है, उसे गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट।